नमस्कार, मैं रुचि। आप देख रहे हैं जन संदेश टाइम्स। साल 2023 और 24 दोनों ही साल राजनीतिक नजर से बहुत अहम रहे हैं। साल 2023 एक चुनावी साल रहा है, जहां पहले तो यूपी में निकाय चुनाव हुए और फिर कर्नाटक में विधानसभा चुनाव, और अब इस साल के अंत में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए मायावती की बहुजन समाज पार्टी ने मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियों में जुटी हुई है। कभी विंध्य और बुंदेलखंड क्षेत्र में काफी मजबूत रही बसपा, लंबे समय से अलग थलग पड़ी है। पिछले दो दिनों में रीवा और सतना के तीन बड़े नेताओं ने बसपा का दामन थामा है। बता दें कि चुनाव से पहले पार्टी के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि है। इससे विंध्य क्षेत्र में पार्टी की ताकत बढ़ेगी, लेकिन दो दशकों पहले तक एमपी में तीसरी बड़ी ताकत बनने का सपना देखने वाली बसपा के लिए अभी रास्ता काफी लंबा है। 1998 के विधानसभा चुनाव के बाद बसपा मध्य प्रदेश की सियासत में बड़ी ताकत के रूप में उभरी थी। साल 1993 में विधानसभा में बसपा के 11 विधायक थे। साल 1998 में भी पार्टी के 11 विधायकों ने जीत दर्ज की थी। इसके बाद बसपा प्रदेश की सियासत में निष्कासित होती चली गई। 2018 में बसपा के महज दो विधायक चुने गए थे। इनमें से भी एक संजीव कुशवाहा बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, जिसके बाद कमजोर होता गया वोट बैंक। साल 2003 के विधानसभा चुनाव में पार्टी के दो विधायक जीते थे, लेकिन उसे 7.26% वोट मिले थे। 2008 में 8.97% मत मिले और 7 विधायक जीते थे। 2013 में 6.23% वोटों के साथ 4 विधायक बसपा के टिकट पर विधानसभा पहुंचने में सफल रहे। 2018 में वोट का आंकड़ा कम होकर 5.1% रह गया। एमपी में बसपा के कमजोर होने का सबसे बड़ा कारण मजबूत नेतृत्व का अभाव है। दूसरे दलों से आए नेताओं की लोकप्रियता का फायदा उठाकर पार्टी विधानसभा में सदस्यों की संख्या बढ़ाने में सफल रही, लेकिन उन्हें अपने साथ बनाए रखने में नाकामयाब रही। मौका मिलते ही इसके विधायक दूसरी पार्टियों में शामिल हो गए। पार्टी नेतृत्व की भी इसमें काफी अहम भूमिका रही। चुनाव जीतने के बाद बीजेपी और कांग्रेस से अलग रहने की बजाय पार्टी नेतृत्व उन्हीं को अपना समर्थन देता रहा। इसके लिए आपको बता दें कि इसके चलते बसपा एमपी में अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं बना पाई। साल 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद बसपा नेतृत्व मध्य प्रदेश में फिर से एक्टिव हुआ। स्थानीय निकाय चुनाव में पार्टी ने बड़ी संख्या में अपने उम्मीदवार उतारे। इसके साथ ही 2023 के विधानसभा चुनावों के लिए बसपा की एक ही रणनीति है कि किसी भी दल की सरकार उसका समर्थन के बिना बने। उसकी नजर बीजेपी और कांग्रेस के वैसे नेताओं पर है जो अपनी पार्टियों से असंतुष्ट हैं। बसपा की रणनीति 82 सीटों पर केंद्रित है। बता दें कि इन सीटों पर उसे उम्मीदों के अनुरूप कामयाबी मिली तो वो फिर से तीसरी ताकत के रूप में उभर कर सामने आएगी। अब तीसरी ताकत में रूप में उभर कर सामने आती है नहीं, ये देखना अहम होने वाला है। फिलहाल जो भी और अपडेट्स निकल कर इस मामले में सामने आएंगे, आप तक जरूर पहुंचेंगी। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए जन संदेश टाइम्स।